बैठे थे प्रोग्राम में, आए थे तो भी कुछ न कुछ अपनी विपदा सोचते रहे, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और माता जी से मैं कब बताऊं मेरी विपदा क्या हुई, माता जी आप देवी हैं, मेरी ये विपदा है। बजाय इसके कि जो कहे जा रहे हैं उसे समझे, अपनी ही अंदरूनी बात को ही सोच सोच करके आप चली गई उस बहकावे में, और उस बहकावे में आपको कैंसर की बीमारी हो गई, नहीं तो ये बीमारी हो गई वो बीमारी। वैसे ही मानसिक बात है, हम मन से क्या सोच रहे हैं, मन में हमारे कौन से विचार आ रहे हैं, सब यही ना कि हम पे ये दुख है, वो दुख है, ये पहाड़ है। लेकिन सोचना कैसे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने पे कितने आशीर्वाद है, ऐसे दिल्ली शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, कितनों को सहयोग मिला है। हम कोई विशेष व्यक्ति हैं ऐसे वैसे नहीं कि अपने चित्त को बेकार करें, हमें सहयोग मिला है इसकी धारणा होनी चाहिए अंदर से और उस अंतर मन में उतरना चाहिए। उसी से ये जो झूठी मर्यादा है सब टूट जाए, और अगर आप नहीं तोड़िएगा तो किसी न किसी तरह से ऐसे कुछ आपको अनुभव आएंगे कि आप भी टूटते जाएंगे। जिस चीज को आप सोचेंगे ये हमारा अपना है, आप कहेंगे हम दिल्ली वाले, एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली वाले आपको ठिकाने लगाएंगे। आप कम नोएडा वाले हैं तो ऐसा दिन आएगा कि नोएडा वाले आपके पीछे बंदूक लेके लग जाएंगे। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता था मैं नोएडा वाला हूं। और फिर आप जब दौड़ेंगे दिल्ली वालों की तरफ, दिल्ली वाले कहें तुम तो नोएडा वाले हो, यहाँ का आए तुम, तो घर के ना घाट की ये हालत आपकी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि आपका चित्त ही ऐसा है जो घर का ना घाट का। जब तक इस गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक आप अपने को अगर सहयोगी नहीं कहे, सहयोगी कहे तो भी मैं मानती नहीं हूं इस चीज को, क्योंकि सहयोगी की पहला लक्षण यह है कि वो शांत चित्त होता और अत्यंत सबल, किसी से डरता नहीं, सबल है और उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है। उसका शरीर शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है और आत्मा के प्रकाश से वो सारी दुनिया में प्रेम फैलाता है। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो हमारे विचार से सहयोगी बिल्कुल है ही नहीं, वो तो पहली भी सीढ़ी नहीं चढ़े। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बहुत सी पतंगे चल रही, लेकिन वो किसी के हाथ में होती है। अगर कोई भी पतंग कट जाए, हाथ से छूट जाए तो न जाने वो कहां चली जाए, वही हाथ आत्मा है। तो अपने चित्त को अपनी आत्मा की ओर रखते, अपने को शुद्ध करते जाना ही सहयोग में तप स्वरूप है। इसके लिए आपने आज हवन किया ये भी तप, क्योंकि अग्नि जो है वो सब चीज को भस्म कर देती। उसी तरह से आपके तप से आपके अंदर जो भी इस तरह के दुर्विचार है या गलत इस तरह की मर्यादाएं हैं वो सब टूट जाएंगी। आनंद पाना ये आपका अधिकार है और आप आनंद को पा सकते हैं और पाया है आपने आनंद को, लेकिन आनंद बांटने के लिए अपने अंदर गहराई होनी चाहिए। अगर आप गंगा जी में जाएं और इतनी छोटी सी एक कटोरी ले जाएं तो आप कटोरी भर पानी लेके आ जाइए, लेकिन आप जब एक घाघर ले जाएं तो आप घाघर भर के ले आ सकते। पर अगर किसी तरह से आप ऐसा कुछ इंतजाम कर ले कि पूरी समय गंगा जी से पानी बहता आए अपनी तरफ, तो आपके चारों तरफ गंगाई बहते रहे, तो
किस स्थिति में आप है वो देखना चाहिए। क्या आप कटोरी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं या अपने ही सीमित आनंद में है या सबके आनंद के लिए है, और अगर आप स्वयं ही इसका स्रोत है तो जो आज्ञा का चक्र है ये तप है, ये तप है। गहराई को छूने के लिए जरूरी है कि तपस्विता चाहिए। फैल हम जाते हैं बहुत सहयोग, बहुत जोर जल्दी फैलता है। अभी आप प्रोग्राम में देखिएगा, मुझे तो यही डर लग रहा है कि उस हॉल में पूरे पड़ेंगे कि नहीं, कि क्या होने वाला है। फैलेगा बहुत जल्दी, लेकिन गहरे कितने उतरे हैं सो गहराई के लिए तपस्विता की जरूरत। अब तप का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप बैठ के उपवास करें, जरूरी नहीं, पर अपना चित्त अगर खाने पर है तो उसे हटाना है। मेरा चित्त कहाँ है इसको देखना ही सहयोग की तपस्या है, क्योंकि चित्त से ही आप आगे अपनी खराब करते हैं। कहाँ है मेरा चित्त, मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये अगर अपना चित्त अगर आप देखें, अंतर मन को हमेशा अपने सामने रखें, तो आपका चित्त जो है वो आज्ञा में प्रकाशित हो जाएगा। यही तपस्या है कि अपने चित्त का निरोध और चित्त का अवलोकन, चित्त का विचार। अब देखिए आपका चित्त कहाँ गया, मैं बात कर रही हूँ चित्त कहाँ है, चित्त की बात करते हैं, चित्त कहाँ गया देखिए। इतना विचलित चित्त है, मैं बात कर रही हूँ आपका चित्त कहाँ है। सो चित्त की ओर नजर रखना, चित्त का निरोध माने जबरदस्ती नहीं, लेकिन अब आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को देखने से अपना चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। एकाग्र हो करके अपना चित्त देखना चाहिए, किसी भी चीज को देखना है। जैसे अब ये खंभा है मेरे सामने, इसमें अब सुंदर से फूल लगे हो, अब हर कटाक्ष में निरीक्षण हो जाता है। ये सारा मुझे अब याद है कहाँ पर कौन सा कहाँ कितना अंतर रह गया, क्या हो गया, पूरा पूरा चित्त सा बन गया, क्योंकि चित्त की जो एकाग्रता है उसी से ये चित्र बनता है, उसी से आपकी स्मृति अच्छी हो जाती है, सब चीज पूरी तरह से आप जान सकते हैं। चित्त से ही सब चीज जानी जाती है, लेकिन चित्त अगर विचलित हो तो आप कोई भी चीज को गहराई से नहीं पकड़ सकते, हर समय घूमते रहेगा तो कोई चीज याद ही नहीं रहेगी। अब देखिए आप, मैं तो हर जगह देखती हूँ, एयरपोर्ट में बात इनसे कर रहे हैं, देख रहे उधर, उधर देख रहे, उधर देख रहे, उधर देख रहे, याद कुछ भी नहीं रहा कौन है क्या है। सो शुद्ध चित्त जो होता है वो एकाग्र होता है, और एकाग्र चित्र वही चीज लेता है जो लेना है, जो नहीं लेना उधर देखता ही नहीं, वो दिखाई ही नहीं दे, हट जाएगा चित्त अपने आप, क्योंकि वो इतना शुद्ध है कि अशुद्ध चीज में वो मलिन हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। तो ये अब आप ही के हाथ में है कि आप अपने अंदर इसको देखें कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। यही तप सहजों का तप सिर्फ ये है कि मेरा चित्त कहाँ जा रहा है, मेरा मन कहाँ जा रहा है। अगर ये तप आपने कर लिया तो आज्ञा को आप लांग रहे, और संसार में तो कोई प्रश्न ही नहीं क्योंकि हम बैठे ही हुए हैं।